सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ट्रेबल रिकवरी को अपने Redmi 3S, 3S Prime, 3X फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, उससे पहले आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो ये दोनों वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको कार्ड्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे वीडियोस की, तो आप देख लीजिए। उसके बाद गाइस, आपको सिंपली फाइल डाउनलोड करनी है जो है Redwolf की ट्रेबल सपोर्टेड रिकवरी। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक रिकवरी अवेलेबल है हमारे Redmi 3S के लिए, वो है TWRP की ट्रेबल रिकवरी। तो आप दोनों में से कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली Redwolf की इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को बूट करना है TWRP रिकवरी पर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर TWRP ओपन हो चुकी है। तो ये ऑफिशियल TWRP है गाइज, ये ट्रेबल सपोर्टेड TWRP नहीं है। तो हम इसी रिकवरी का यूज़ करके ट्रेबल रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए गाइज, आप सबसे पहले तो अपने करंट रोम का बैकअप ले लीजिए, इन केस कुछ भी गलत हो जाता है तो आप इसे रिस्टोर करके अपने फ़ोन को पहले जैसा लुक दे सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं रिकवरी। तो आपको सिंपली जाना है इंस्टॉल सेक्शन में। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल इमेज पे क्लिक कर देना है। आप पहले स्टोरेज देख लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल इमेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी इमेज फाइल जो है वह आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिख जाएगी। सिंपली उसे ले लीजिए, फिर रिकवरी पे टिक कर दीजिए और फ्लैश कर दीजिए, डन। इतना ही आपको करना होता है रिकवरी फ्लैश करने के लिए। तो इस मेथड का यूज़ करके आप कोई भी रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो सिंपली इसी तरह से आप अपने रिकवरी को अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपको लैपटॉप कंप्यूटर की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्लैश हो चुका है, तो सिंपली बैक करते हैं और रिबूट सेक्शन में जाना है और यहाँ पर रिकवरी पे बूट कर लेना है। तो अब आप देखेंगे कि हमारी TWRP हट जाएगी और यहाँ पर Redwolf रिकवरी जो है वो आ जाएगी, जो कि ट्रेबल सपोर्टेड रिकवरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं यहाँ पर Redwolf। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ अलग है। तो इस तरह से गाइज, आप ट्रेबल रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Redmi 3S, 3S Prime और 3X फ़ोन में। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल है गाइज, इतना करना तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस रिकवरी की मदद से आप कोई भी कस्टम रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेबल हो या ना हो, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।